आप देख रहे हैं केसरी न्यूज भारत, खबर भारत की। आज के समय में स्वामी अनिरुद्ध महाराज जी हर घर की शान बन गए हैं, क्योंकि इसकी कथा लगभग हर घर हर क्षेत्र में टीवी या मोबाइल के माध्यम से चलता ही रहता है, यह देखने को मिलता ही है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अनिरुद्ध महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन से कईयों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन होता है। इनके प्रवचन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है और ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके जीवन के विषय में। महाराज अनिरुद्धाचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिंझा नामक गाँव में हुआ है। बचपन से ही इनका मन आध्यात्मिक क्षेत्रों में ज्यादा रहता था, इसी कारण से इन्होंने अनेकों प्रकार के धार्मिक पुस्तक जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। सबसे बड़ी बात है कि हनुमान चालीसा उन्हें कंठस्थ याद है। अनिरुद्धाचार्य जी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वृंदावन चले गए, जहां इन्होंने अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। अनिरुद्ध महाराज जी को बचपन से ही गाय की सेवा करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए गाय को माता की उपमा देते हैं। अनिरुद्ध महाराज जी के स्कूली शिक्षा दीक्षा बहुत ही कम है। बचपन में इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। अनिरुद्ध महाराज बचपन से ही वृंदावन आकर संस्कृत में अध्ययन किया। इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने अध्ययन किया। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी शिक्षा गुरु संत गिरिराज महाराज जी के शरण में ली है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का मन बचपन से ही अध्यात्म की ओर रहा है, इसलिए वह वृंदावन आ गए और अपने गुरु के शरण में इन्होंने अनेकों प्रकार के हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक और भक्ति गायन के तौर पर शुरू किया। और आज के समय में YouTube और बहुत सारे TV चैनलों के माध्यम से लोगों के समक्ष भागवत कथा का प्रवचन करते हैं, और जहां इनका कथा वाचन होता है वहां लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण लोगों को कथा वाचन के 5-6 घंटे पहले भागवत कथा स्थल पर पहुंचना पड़ता है, तभी कथा का आनंद ले पाते हैं। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य आज के समय में जाने माने और पॉपुलर भागवताचार्यों में से एक है। और भागवत कथा की बात करें तो 7 दिनों तक इसकी कथा चलती है। अगर इसकी भागवत कथा कराना होता है तो 2-3 महीने पहले बुक कराना पड़ता है। और इसकी फीस के बारे में एकदम सही जानकारी चाहिए तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और वैसे भी महाराज जी अपनी फीस का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज के समय में वृद्ध और बूढ़े लोग इनके दीवाने हैं, उसी के साथ आज के नौजवान भी इनके प्रवचन भागवत कथा को काफी ज्यादा सुनने में रोचकता दिखाते हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की और रोचक बातें करें तो अभी के समय में सबसे जल्दी ख्याति प्राप्त करने वाले धार्मिक क्षेत्र में इनका नाम आता है। अनिरुद्धाचार्य जी की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज के समय में लगभग आपको हर जगह हर घर में कोई ना कोई जगह आपको इसकी भजन टीवी में, मोबाइल में या फिर और माध्यम से आपको देखने को मिल ही जाएगा। नौजवानों में रोचकता का सबसे बड़ा कारण है कि अनिरुद्ध आचार्य भागवत कथा के साथ साथ मोटिवेशन भी काफी ज्यादा अपनी कथा में शामिल करते हैं, जिसके कारण आज हर लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं। इनकी और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि स्वामी जी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में बूढ़ी माताओं के लिए दान करते हैं। इस संस्था को इन्होंने 2016 में शुरू किया था। स्वामी जी की और सबसे बड़ी रोचक बात करें तो यह गाय बैल के काफी ज्यादा प्रेमी है। बचपन में जब छोटे थे तो स्वामी जी गाय को चराने के लिए चले जाते थे, जिससे इनका लगाव और बढ़ता गया और यह लगाव